गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर बी ऑफ पेज नंबर 37 ऑफ चैप्टर 5 अ वंडरफुल गिफ्ट। ओके चिल्ड्रन, ओपन योर बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस फ्रॉम दी बॉक्स। लुक एट द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स फॉर हेल्प। ओके, क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर बी में कुछ सेंटेंसेस आपके दिए हुए हैं ब्लैंक्स करके, उसमें आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को फिल करना है। ओके, फर्स्टली चिल्ड्रन, व्हाट इज प्रीपोजिशनल फ्रेजेस? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं वो होते क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोगों ने सेकेंड क्लास में पढ़ा था। ओके, प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ओके, तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस उसी से बने हैं। प्रीपोजिशनल जो है उसी प्रीपोजिशन से ही बना है। ओके, अब प्रीपोजिशनल फ्रेज यूजली स्टार्ट विद अ प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होता है वो आमतौर पर किससे स्टार्ट होता है? प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब पहले की जो अवस्था होती है, जो पोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन की। ओके, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, एट, टू, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस, दिस ऑल वर्ड्स आर प्रीपोजिशनल वर्ड्स। ओके, एंड एंड्स विद अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशनल वर्ड होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या होते हैं? एंड होते हैं, समाप्त होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो प्रीपोजिशनल वर्ड क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सेंस बट नॉट कम्प्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। हमें उनसे पूरी जो है पूरा भाव नहीं पता चलता, पूरा सेंस नहीं पता चलता है। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रपोजिशनल फ्रेज। तो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। नंबर वन इज प्लीज वेट, द डॉक्टर विल बी विद यू। प्लीज वेट। ओके चिल्ड्रन, प्लीज वेट, द डॉक्टर विल बी विद यू इन अ मोमेंट। इन अ मोमेंट, इन अ मोमेंट, इन आपका क्या है? इन आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट नंबर टू इज आई रियली नीड समथिंग डैश माई हेड हर्ट्स बैडली। ओके चिल्ड्रन, आई रियली नीड समथिंग, मुझे वास्तव में क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है उसे वास्तव में? फॉर माई हेड, फॉर माई हेड है। फॉर माई हेड है मतलब कि उसके सिर के दर्द के लिए। ओके, माई हेड हर्ट्स बैडली। ओके चिल्ड्रन, फॉर जो है यहाँ पर आपका क्या है? ये भी आपका प्रीपोजिशन है। ओके, यहाँ पर मैंने आपका ऑप्शन नहीं राइट किया है क्योंकि बोर्ड का जो स्पेस है वो कम है। आप लोग अपने बुक में बॉक्स जो बना हुआ है वहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट नंबर थ्री इज डू मेक श्योर यू आर रेडी। डू मेक श्योर यू आर रेडी, नंबर थ्री में हम लोग क्या फिल कर देंगे? By seven, the play begin at 7:30. Okay children, समझ में आया आप लोगों को? Next number four is Anna was so kind. She answered all our questions. ठीक है? Anna जो है इतनी kind, इतनी दयालु है कि she answered all our questions. उसने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। कैसे दिया? विद पेशेंस, धैर्य के साथ।
चिल्ड्रन विद पेशेंस जो हमारा वर्ड है, विद पेशेंस धैर्य के साथ, ओके ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, पता तो चल रहा है हमें कि विद पेशेंस धैर्य के साथ, ओके लेकिन क्या है यहाँ पर हमें कंप्लीट सेंस नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहलाते हैं। ओके नेक्स्ट नंबर 5 इज आई एम अफ्रेड टू क्रॉस द रोड, समटाइम्स द कार्स गो बाय एट अ हाई स्पीड, एट अ हाई स्पीड, हाई स्पीड एस पी वाली। ओके नेक्स्ट नंबर 6 इज इट इज नॉट सेफ टू स्विम, एस ए एफ ई सेफ टू स्विम, देयर आर क्रोकोडाइल्स, क्रोको डाइल्स इन इट। ओके चिल्ड्रन इट इज नॉट सेफ टू स्विम, ये सेफ नहीं है तैरने के लिए, क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आप क्रॉस द रिवर, आप क्रॉस द रिवर, क्या सेफ नहीं है, सेफ टू स्विम, क्रॉस द रिवर तैरकर नदी पार करना। ओके देयर आर क्रोकोडाइल्स इन इट, क्योंकि इसमें बहुत क्या है, क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं। ओके चिल्ड्रन इस तरह से आप लोगों को प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो है क्या हो गया, विद पेशेंस एट अ हाई स्पीड दे रिवर्ड, दिस ऑल वर्ड्स प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ओके चिल्ड्रन इसको आपको क्या करना है, अपने बुक में अच्छे गुड हैंड राइटिंग में फिल कर लेना। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।